हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर की MID के बारे में। MID में जो भी लाइट्स और जो भी इंडिकेशन वार्निंग्स वगैरह होती हैं सभी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अभी मैंने इग्निशन ऑन कर लिया है गाड़ी का, एक मिनट में आपको फिर से दिखा देता हूँ ऑफ़ करके। तो ये देखिए गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लिया अभी मैंने। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसके वार्निंग लाइट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है आपको जानने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लाइट यहाँ पे शो कर रही होगी ये है इंजन की माल फंक्शन की लाइट है दोस्तों। अगर ये लाइट ऑरेंज कलर में आ रही है तो आपको ज़्यादा केयरफुल होकर चलाना है एंड आपको जल्दी से जल्दी आपके नियर बाय जो भी डीलरशिप होगा वहाँ पे आपको रीच करना है। एंड अगर ये लाइट रेड कलर में शो कर रही है तो आपको गाड़ी वहीं पे मतलब रोक देनी है, जहाँ कहीं भी आप हो साइड में लगा करके गाड़ी आप रोक देंगे एंड आपके डीलर को आप कॉन्टैक्ट करेंगे इमीडिएटली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसी के नीचे आप देखेंगे तो ये एयरबैग की जो लाइट है ये है दोस्तों। ये अगर आपकी एयरबैग माल फंक्शन करेगी तो ये लाइट तुरंत वहाँ पर ऑन हो जाएगी एंड आपको बता देगी कि भाई साहब आपके एयरबैग में कुछ फॉल्ट है। एंड उसी के बगल में ये ABS की लाइट है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये ABS की लाइट है। ये लाइट तब ऑन होती है जब आपके ABS में कोई फॉल्ट हो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो आपके गाड़ी के ब्रेक्स के साथ वो कंबाइंड रहता है। एंड अगर ये लाइट ऑन हो जाएगी तो आपकी गाड़ी की ABS वर्क नहीं करेगी, नॉर्मल आपके ब्रेक्स वर्क करेंगे एंड इस केस में भी आपको डीलर के पास जाके कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। एंड देन ठीक उसी के नीचे ये आपके स्टीयरिंग व्हील का पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील की लाइट है। अगर स्टीयरिंग से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी गाड़ी में तो वहाँ पे वो लाइट ब्लिंक कर जाएगी। एंड देन उसी के लेफ्ट के बगल में है इलेक्ट्रिकल्स की फॉल्ट की लाइट है। ये आपकी गाड़ी में मान लीजिए कोई भी सेंसर आपके अगर ECU को जवाब नहीं देता है ऑन करने के बाद में तो वो लाइट भी ब्लिंक हो जाएगी। अगर वो लाइट दो तीन बार ब्लिंक करके ऑफ हो जाती है तो आपको अपने नियरेस्ट डीलरशिप में जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी को वो लोग फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम से एंड उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो लाइट है ये आपके लो ऑयल प्रेशर की लाइट है। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम होगा तो ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी, सॉरी ब्लिंक नहीं ऑन हो जाएगी। एंड देन उसी के नीचे ये हैंड ब्रेक की लाइट है और ये ब्रेक्स की जो वर्किंग है उसको भी ये इंडिकेट करता है। अभी हैंड ब्रेक लगी है गाड़ी में तो ये लाइट ऑन है। मैं आपको हैंड ब्रेक निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए हैंड ब्रेक मैंने निकाल दिया, लाइट ऑटोमेटिकली चली गई। एंड देन मैंने इसको इंगेज किया हैंड ब्रेक को तो लाइट वापस आ गई। ये लाइट तब भी आ जाएगी जब आपकी गाड़ी में लो ब्रेक फ्लूइड होगा। ब्रेक फ्लूइड अगर कम होगा आपकी गाड़ी में तो भी ये लाइट इंडिकेट कर देगी। एंड देन उसी के बगल में ये एक बैटरी का इंडिकेटर है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, अल्टरनेटर ठीक से वर्क नहीं करेगा तो भी ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी कि भाई आपका अल्टरनेटर आपकी बैटरी को करंट नहीं दे रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजर केस है दोस्तों। यहाँ पर आपकी गाड़ी, अगर मान लीजिए गाड़ी में आपके काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल्स हैं जो बैटरी पे वर्क करते रहते हैं तो बैटरी को फंक्शन रहने के लिए हमेशा उसको चार्ज करता रहता है आपका अल्टरनेटर। और जब आपका अल्टरनेटर ही ख़राब हो जाएगा तो आपकी गाड़ी की जो बैटरी है कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी, 10 से 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी अगर आपकी गाड़ी चालू है तो। एंड देन उसी के बगल में आपको ये सीट बेल्ट का लाइट है। आप देख रहे हैं जैसे कि अगर मैं सीट बेल्ट लगा के गाड़ी ऑन करूँगा तो वो लाइट भी चली जाएगी। अभी गाड़ी बंद है और खड़ी है एक जगह पे तो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। ये तो हो गए दोस्तों सारे आपके इम्पॉर्टेंट जो भी होते हैं इंडिकेशंस वो हुए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी फ्यूल की मीटर है। आपका गाड़ी में जितना भी फ्यूल बचा रहेगा वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। एंड ठीक उसी के ऊपर आपका ये जो इंजन ऑयल का टेम्परेचर है वो इंडिकेट करेगा। और ये हमेशा ये दो पे ही रहता है, जबकि जब भी आपकी गाड़ी चलती है तीसरे पे ये बहुत बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ही जाता है। एंड अभी तक तो अभी मैंने ऐसा केस कोई भी ड्राइवर में नहीं देखा है एंड मेरी गाड़ी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एंड किसी ने अपडेट भी नहीं किया है, शायद यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं है जिसमें ये पूरी 3 पे चला गया हो टेम्परेचर। एंड दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं ये इसकी सेंटर कॉन्सोल की। ये जो है तो सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा किलोमीटर्स पर आवर, ये आपकी स्पीड को दिखाता है। अभी गाड़ी खड़ी है तो ये 0 दिखा रहा है, 0 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक उसी के नीचे आपको
ये दिखाएगा कि गाड़ी आपकी ओवरऑल कितना चल चुकी है। तो मेरी गाड़ी जैसे कि अभी चली है 4211 किलोमीटर। एंड दोस्तों और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मान लीजिए आपकी गाड़ी के कोई भी डोर खुले हैं तो देखो यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ जाएगी। सॉरी कहाँ गया वो, एक मिनट। हाँ देखिए डोर ओपन है तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है। अभी मेरा ड्राइवर साइड का डोर ओपन है तो ये आ गया। जैसे ही आपकी गाड़ी के डोर्स खुलेंगे जिस भी साइड के तो उस जगह वहाँ पे आ जाएगा। अभी थोड़ी ड्रिसलिंग हो रही है तो मैं डोर्स को बंद कर दूंगा। एंड जो ये पीछे देख रहे हो, अगर आपका पीछे का बूट एरिया भी खुला है तो भी यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ जाएगी, वो दिखा देगा कि आपकी बूट खुली है। तो दोस्तों जल्दी से हम डोर को बंद कर देते हैं, पानी आ रहा है अंदर। एंड देन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये दिखाता है, अभी मेरी गाड़ी में ये दिखा रहा है एवरेज किलोमीटर, एवरेज माइलेज कितना दे रही है वो दिखा रहा है गाड़ी में। अभी गाड़ी खड़ी है तो ये 14.6 KMPL का दिखा रहा है। ये मेरी लास्ट ट्रिप से रिकॉर्डेड है ये, तो ये एक्यूरेट नहीं है अभी, अभी तो गाड़ी बंद है वैसे भी। एंड देन ये अभी मेरी गाड़ी में कुछ इंडिकेशंस भी आ गए हैं, सॉरी सर्विस की रिमाइंडर आ गई है मेरी गाड़ी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंच की एक सिंबल बनी हुई है। एंड देन अभी इसको हम इस बटन से हम टॉगल कर सकते हैं इसमें। एंड अभी देखिए मेरी एवरेज स्पीड दिखा रहा है लास्ट ट्रिप की मेरी कितनी रही, जो कि थी 39.1 किलोमीटर्स NR की। एंड देन ये हमारा ट्रिप बी है, मैंने अभी इसको रीसेट नहीं किया है एक बार भी, तो ये एज इट इज़ शो कर रहा है ओवरऑल जितनी गाड़ी चली है। एंड देन ये अभी रेंज दिखा रहा है गाड़ी की कितनी रेंज बाकी है, जितना भी फ्यूल आपके पास बचा है उसमें 90 किलोमीटर चल जाएगी। दोस्तों ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, अभी गाड़ी खड़ी है तो ये इतनी दिखा रहा है, जैसे ही गाड़ी हाईवे पे चलने लगेगी तो ये रेंज बढ़ती भी रहती है। इसके बारे में हम डिटेल्ड में कभी बात करेंगे, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये इंस्टेंट किलोमीटर्स पर लीटर ये दिखाता है दोस्तों, जब भी आपकी गाड़ी चलती रहती है तो हर एक सेकेंड ये वेरी करता रहता है। एंड देन ये अभी दिखा रहा है क्या, 5500 किलोमीटर, ये सर्विस का वो डेट दिखा रहा है दोस्तों, 22 दिनों में ये सर्विस की अभी इसकी पेंडिंग है, 22 दिन में गाड़ी सर्विस में जानी है। एंड देन ये ट्रिप ए है 1527 किलोमीटर। एंड ये टोटल फ्यूल जो कंज्यूम हुआ है ट्रिप ए में 104 लीटर्स वो दिखा रहा है ये। एंड देन एवरेज कितना मिला वो, फिर वापस वहीं पर आ गए हम दोस्तों एवरेज पे ही। तो दोस्तों ये थी गाड़ी की मिडिल की वाली। एंड अब हम बात करते हैं रेड जो लेफ्ट साइड में है उसकी बात करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे RPM इंटू 1000 लिखा हुआ है, जितनी आपकी गाड़ी की RPM होगी उसी के हिसाब से ये इंडिकेट करेगा, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, मतलब 3000, 4000, 5000 और ये लास्ट 6000, ये RPM आपकी गाड़ी की इंडिकेट करेगा। और दोस्तों ये जो लाइट है, एक मिनट, ये वाली आपकी, ये जो भी आपकी लाइट डिप्ड रहती है तो ये दिखाता है, ये मतलब लो बीम जब आपकी ऑन होती है तो ये वाली लाइट दिखाता है। एंड दोस्तों ये वाली है आपकी हाई बीम की लाइट, एक मिनट मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये आपकी हाई बीम की लाइट है, अगर आपकी गाड़ी जब भी हाई बीम पर रहेगी तो वहाँ पर लाइट शो करेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जो भी मैं वीडियो में छोटी मोटी गलतियाँ करता हूँ उसे, तो दोस्तों जो भी मैं गलतियाँ करता हूँ वीडियो में छोटी मोटी उसे प्लीज़ थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिए, नज़रअंदाज नहीं, मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिए मैं कौन सी गलतियाँ करता हूँ, तो उसको मैं अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड आप मुझे कोई भी सुझाव या कुछ भी आप सजेशन मुझे कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो करिएगा ही, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।